नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीड्स लगा के बताऊंगी। तो चलिए, मैं कौन कौन से सीड्स लगा के बता रही हूँ और कैसे भी मिट्टी में लगा रही हूँ, तो चलिए। और दोस्तों, ये मौसम बहुत ही अच्छा है। वैसे तो अगर किसी ने, काफ़ी लोग ने सितंबर में भी लगा लिया, अगर किसी ने नहीं लगाया है, कोई हमारे भाई बहनों जिसने नहीं लगाया है, तो वो अभी भी लगा सकते हैं, अभी भी मौसम है। और ये तो प्रक्रिया चलती रहती है 2-3 महीने तक के, बस बात इतनी रहेगी कि जो हम बीजे जो बाद में लगाएंगे उसके फ्लावर बाद में खिलेंगे, वैसे अभी भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आज मैं कौन कौन से सीड्स लगाऊंगी। तो दोस्तों, मैं पहले ये मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड को भी लगाऊंगी। चार प्रकार के सीड्स लगाऊंगी। पहला एक मैरीगोल्ड लगाऊंगी और एक ये हॉलीहॉक्स है, हाँ हॉलीहॉक्स है, इसके सीड ये इस प्रकार है। क्योंकि ये चारों सीड थोड़े से बड़े बड़े हैं, क्योंकि जब भी हम सीड लगाते हैं तो मिट्टी के हिसाब से लगाते हैं कि हमें कैसी मिट्टी बनाना चाहिए, उस हिसाब से सीड्स लगाना है। और ये है कॉक्समॉस के, और ये येलो वाला है, ये देखिए कॉक्समॉस का है, ये येलो वाला है, और ये भी कॉक्समॉस है, और लेकिन ये है कि ये मिक्स है। और ये मैं अमेजोन से मैंने मंगाया था, ये मुझे 490 का मुझे पड़ा था, पूरा पैकेट लेके आया, मतलब मंगवाया था मैंने। कॉम्बो पैक आता है, उसमें 30 प्रकार के सीड्स निकले थे, 490 में 30 प्रकार के सीड्स निकले थे। और ये बहुत ही अच्छी किस्म के बीज हैं, ये देखिए कितने, मतलब हेल्दी बीज कह लो, और इसमें तो जर्मिनेट होना ही है। तो दोस्तों, ये थोड़े सी बड़े बड़े सीड्स है, तो इसमें हम मिट्टी मिक्स कर सकते हैं। जैसे कई लोग सिर्फ कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन इस इतने बड़े सीड में हम मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी भी मिला सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैं मिट्टी तैयार, आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए मैंने ये मिट्टी तैयार करी है। वैसे तो मैंने अपनी मिट्टी पहले से ही भर चुकी हूँ। ये देखिए, ये हल्की मिट्टी बनाने के लिए 50% 60% कोकोपीट लेना चाहिए, और 20-30% हमें बर्मी कंपोस्ट या आपके पास पुरानी गोबर खाद हो वो भी ले सकते हैं। पुरानी होना चाहिए गोबर खाद, नहीं होना चाहिए, नहीं होगी तो बीज जलने का डर रहता है, इसलिए पुरानी गोबर खाद होगी वो भी ले सकते हैं अगर बर्मी कंपोस्ट नहीं हो। और थोड़ी सी आप रेत ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। और हमने यहाँ ली एक मुट्ठी ये नीम खली ली, अगर नीम खली हो तो ठीक है, और नहीं हो तो आप ये जो फंजीसाइड आता है वो भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये इस कलर का आता है ये फंजीसाइड, और एक साफ आता है या ट्राइकोडर्मा, ये कोई सा भी ले सकते हैं आप। तो वो एक गमले के लिए आधी छोटी चम्मच, आधी चम्मच काफ़ी होता है, तो वो भी मिला सकते हैं। और अगर थोड़े से, ये मिट्टी बहुत ही हल्की बनेगी, कोकोपीट और खाली बर्मी कंपोस्ट और रेत लेंगे तो ये बहुत हल्की मिलेगी। और अगर थोड़े से बड़े बीज है तो आप उसमें सॉयल मिक्सचर भी कर सकते हैं, जो हमारी गार्डन की मिट्टी है वो भी हम मिक्स कर सकते हैं, तो वो हम इसमें 30% मिक्स कर सकते हैं। 30% काफ़ी होती है, क्योंकि 50-60% तो हम ऑलरेडी कोकोपीट ले रहे हैं। कोकोपीट इसलिए ले रहे हैं कि मॉइस्चर बना रहेगा, मिट्टी हल्की रहेगी, और जो पानी है पानी को स्टोर करके रखेगा, ये होल्ड करके रखेगा कि हमें बार बार सीडलिंग में पानी डालने का झंझट नहीं रहेगा। वैसे मिट्टी ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे सीडलिंग में, जब देख लेंगे कि हमारी जो मिट्टी है ऊपर की टॉप सॉइल सूख गई तभी हम पानी डालेंगे,
तो इस प्रकार मिट्टी बनेगी तो बहुत ही अच्छी मिट्टी बनेगी। और दोस्तों पोट आप कोई सा भी ले सकते हैं, या आप तगाड़ी हो, या बड़ा पोट हो, या छोटा पोट हो। ये मैंने ये जो तेल की कैन है ये 15 लीटर वाली है, इसको काट के दो भागों में भाग कर लिए हैं दो भागों में, और इसमें मैंने मिट्टी पहले ही भर ली है। मिट्टी भरने के बाद में आप इसमें पहले पानी डालिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहले पानी अच्छे से डाल देंगे तो बीज हमारे इधर उधर नहीं होंगे। बीज डालने के बाद ज़्यादा पानी डालेंगे तो बीज खसकने का डर रहता है, इसलिए आप पहले ही पानी डाल लीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैं तो इसमें पहले ही पानी डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर बीज मेरे इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए मेरी तो आदत है कि मैं पहले ही इसको गीला कर लेती हूँ अच्छे से। और दोस्तों फर्स्ट टाइम आप पानी डालोगे तो फर्स्ट टाइम पानी बहुत ज़्यादा डालना, मतलब ऐसे डालना कि ड्रेनेज होल से निकल जाए, मिट्टी अच्छे से तर हो जाए, इस प्रकार मिट्टी में आप पानी डालिएगा। फिर हम इसमें सीड्स डालेंगे, और ये कंटेनर हमारा बड़ा है तो हम इसमें दो दो भागों में सीड डालेंगे, इसलिए दो दो भाग को हम मतलब थोड़ा सा ऐसे पार्टीशन कर लेंगे, निशान लगा देंगे हम, ताकि हम आधे में दूसरे सीड डालें और आधे में हम दूसरे सीड डालें। इस प्रकार हमने निशान बना लिया। तो दोस्तों हमने ये कॉस्मोस के सीड्स निकाल लिए हैं। अब हम इसको आधे भाग में इसको फैला देंगे, दूर दूर पर, पास पास में नहीं फैलाना है। तो दोस्तों ये फ्लॉक्स के हैं, ये आधे हिस्से में हम डाल देंगे, इस प्रकार फैला देंगे पूरे, और एकदम पास पास में नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे, थोड़ा सा दूरी। और फिर दूसरे वाले में हम आधे में ये मैरीगोल्ड के, ये येलो कलर के हैं, हाइब्रिड है ये भी हम फैला देंगे। और फिर हम इसमें पतली लेयर मिट्टी की बिछा देंगे। हमने देखिए पूरे बीजे डाल दिए हैं, और हम फिर पतली पतली लेयर हम डाल देंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं डालेंगे मिट्टी के, क्योंकि अगर मोटी लेयर डाल देंगे तो बीजे हमारे उगेंगे नहीं, जर्मिनेट नहीं होंगे, अंदर ही अंदर गल भी सकते हैं। ये देखिए हमने पतली लेयर से इसको बिछा दिया है, मिट्टी को ढक दिया, बीजों को ढक दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें शावर से या हाथ से हल्के हल्के से पानी इसमें डाल देंगे, ज़्यादा तेज धार से नहीं डालेंगे, क्योंकि वैसे ही हमने पहले डाल दिया था, बस खाली शावर से आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। बस ऊपर की जो मिट्टी है, जो हमने पतली लेयर बिछाई है, वो सिर्फ मॉइस्ट कर दीजिए बस। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी जो बीजे हैं जल्दी जर्मिनेट होगा, और ज़्यादा इसकी मिट्टी को हम ज़्यादा ढकेंगे नहीं, मतलब मोटी लेयर नहीं करेंगे, मोटी लेयर से बीजे हमारे अंदर ही अंदर सड़ सकते हैं, जल्दी जर्मिनेट नहीं होंगे, पतली लेयर में जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।